बहुत सालों के बाद इस इलाके और इस पार्लियामेंट क्षेत्र को बड़ी बड़ाई लीडर मिली और अपने बेटी 4 जून को यह रिजल्ट आएगा। 10 जून से पहले कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में बन जाएगी। 2 महीने बाद हरियाणा का चुनाव हो जाएगा। बस आप अपना मन पक्का रखिए। 18वीं लोकसभा को लेकर प्रत्याशी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। हर कोई फील्ड पर अपनी जान झोंक रहा है। इसी कड़ी में सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। सैलजा के साथ इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद रहे। नरवाना के दनोदा गांव में ग्रामीणों ने सैलजा और सुरजेवाला का फूल माला से जोरदार स्वागत किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि मैं आपके परिवार की बेटी हूं और चुनाव निशान वोटिंग मशीन में 5वें नंबर पर है। कुछ बातें अपनों को ही कही जाती है, इसलिए आपसे कह रही हूँ। कुमारी सैलजा ने क्या कहा वो भी सुनिए। 5वें नंबर पे मेरा हाथ का निशान है, तो आप सब तो देखो यहाँ पर है ही, लेकिन मैं आपसे एक और गुजारिश करूँगी, क्योंकि ये बात अपनों को ही कही जा सकती है कि आप लोग कृपया केवल दनोदा नहीं, दनोदे तो दोनों है भाई, दनोदा नहीं लेकिन अपना चुनाव समझो। ये चुनाव सैलजा का नहीं होगा, ये चुनाव आपका है। मुझे तो आप बस इतना निर्देश दे दो कि यहाँ पे हम संभालेंगे, पूरा पूरा एरिया हम संभालेंगे, नरवाना भी पुराना भी। अब मेरे को काम आगे के लिए छोड़ दो, मैं सरसा फतेहबाद इधर घूमती रहूँ, यहाँ का सारा काम आप लोगों के जिम्मे, आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ के जाऊँगी। आपकी जिम्मेदारी इस कड़ी में सुरजेवाला ने भी सैलजा के लिए वोट की अपील की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुमारी सैलजा का संसद में सबसे ज्यादा वोट से जीतकर जाना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी मेरे बड़े बुजुर्गों भगवान साथी को मातृशक्ति के बहुत सालों के बाद इस इलाके और इस पार्लियामेंट क्षेत्र को बड़ी बड़ाई लीडर मिली और अपनी बेटी आपकी बहन। जिस दिन ये वहां चली गई, अगले दिन हिंदुस्तान के राज में इस चबूतरे का हिस्सा हो गया। और मैं एक आखिरी लाइन कहकर मेरी बात को खत्म करूंगा। हिंदुस्तान का राज और हरियाणा का राज, अगर शैलजा जो रणदीप, हमारा ये संकल्प है कि अपने इस चबूतरे और आपकी जोड़ी पर जाकर खड़ा कर दे। महीने 3 की बात है, 4 जून को यह रिजल्ट आएगा। 10 जून से पहले कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में बन जाएगी। 2 महीने बाद हरियाणा का चुनाव हो जाएगा। बस आप अपना मन पक्का रखिए। मैं अपने काका ताऊ को, दादे भी बैठे उनको, बड़े भाई भी उनको, छोटे भाई भी उनको, भतीजे भी बैठे, माता बहन भी बैठे। इलाका की पहचान लीडर से होती है और लीडर की पहचान इलाके से होती है। आप दोनों को मारो, हम दो भी आपके, आप आगे बढ़ाओगे तो भी आपके। हमारी कलम में ताकत होगी वो आपकी कलम है, हमारी कलम खोज दोगे कोई और ले जाएगा, फिर अपने को कुछ करने वाला नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इलाके की पहचान नेता से होती है और नेता की पहचान इलाके से। सुरजेवाला की ये बोल दनोदा की जनता को प्रभावित कर गए। आखिर जनता सिरसा सीट से क्या सैलजा को जिता पाएगी या नहीं, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही बता पाएंगे। नरवाना से गुलशन चावला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।